नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। गृह मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से अक्टूबर में कोरोना के उच्चतम स्तर पर होने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर के उच्चतम स्तर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। जातिगत जनगणना को लेकर सोमवार को यानी कि आज मुख्यमंत्री नीतीश और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम ने हमारी मांग को अस्वीकार्य नहीं किया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाली सड़क का नाम और लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में एक एक सड़कों को यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया है। रक्षाबंधन के मौके पर एक फोटो में तेज प्रताप अपनी छोटी बहन राजलक्ष्मी यादव से पैर छुवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर यूजर ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद तेज प्रताप ने बड़ी बहन मीसा भारती के पैर छूते हुए फोटो शेयर कर ट्रोलर्स को जवाब दिया। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में सड़क निर्माण को लेकर राज्यों की सूची जारी की है। सूची में बिहार को तीसरा स्थान मिला है, वहीं महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक प्रोजेक्ट और सबसे अधिक सड़कों का निर्माण इसी राज्य में हो रहा है। क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 के साथ वापसी कर रहा है। केबीसी सीजन 13 के पहले एपिसोड में शो के होस्ट और बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन सिद्धार्थ बसु के साथ शो के शानदार प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, जो दर्शक इस संस्करण में देखेंगे। जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात गंभीरता से सुनी है। उन्होंने कहा कि पेड़ जानवरों की गिनती हो सकती है तो फिर जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता आशीष देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर पार्टी के मंत्री सुनील केदार को कैबिनेट से हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि सुनील केदार ने अपने खिलाफ चल रहे एक केस में अपने दोस्त को ही सरकारी वकील बनाया है। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत जसीडीह झाझा रेलखंड एक भयंकर हादसा होते होते बच गया है। घोरपारण नरगंजो रेलवे स्टेशन के मध्य अप ट्रैक में जा रही इलेक्ट्रिक दरभंगा नामक मालगाड़ी दो भागों में बट गई। मालगाड़ी के विभक्त होने से अप ट्रैक पर आवागमन प्रभावित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 25,072 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 389 लोगों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटे में 44,157 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं, यानी कि कल 19,474 एक्टिव केस कम हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को शहर के कन्नौट प्लेस में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है। इसमें 1 किलोमीटर के दायरे में 1 सेकंड में 1,000 घन मीटर हवा शुद्ध हो सकेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन को आधिकारिक तौर पर सेल्फ रेगुलेटर बॉडी या संस्था की मान्यता दे दी है। एनबीएफ देश का इकलौता संस्थान है जिसे भारत सरकार की एमआईबी से यह आधिकारिक दर्जा मिला है। क्रिकेट को भी ओलंपिक खेलों में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा प्रारूप इसमें शामिल होगा। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 फॉर्मेट है, लेकिन प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में कुल 5 प्रारूप है। भगवान जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को कोविड-19 प्रतिबंधों को लेकर 4 महीने से अधिक समय तक बंद रखे जाने के बाद सोमवार को फिर से खोल दिया गया है, जिसके बाद अब श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत भारत सोमवार को कतर की राजधानी दोहा से 4 अलग अलग उड़ानों में अपने 146 नागरिकों को दिल्ली लेकर आया है। वहीं रविवार को एक विशेष उड़ान में कुल मिलाकर 135 भारतीयों को दोहा से दिल्ली वापस लाया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की 57.05 करोड़ से ज्यादा डोज अब तक देने की बात कही है। आज जारी आंकड़ों के मुताबिक 3.44 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है। ब्रिटेन ने यह पता लगाने के लिए कि एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है कि कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद लोगों को कितनी प्राकृतिक सुरक्षा मिली है। बीबीसी ने बताया है कि फिंगर प्रिक परीक्षण पहली बार शुरू हुआ है, एक सरकारी योजना का ये हिस्सा है। मई में भारी गिरावट के बाद 3 महीने में पहली बार बिटकॉइन की कीमत $50,000 के स्तर को पार कर गई है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का वर्तमान में मूल्य $50,297.19 है। भारत के घरेलू क्रिकेटर अपनी मातृभूमि में अवसरों की कमी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट खेलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नवीनतम क्रिकेटर बाएं हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह के मेजर क्रिकेट लीग के साथ 3 साल का अनुबंध किया है और वो सिएटल थंडरबोल्ट के लिए खेलने जा रहे हैं।
पीएम मोदी का जबरा फैन 28 वर्षीय फहीम नजीर शाह उनसे मिलने के लिए 815 किलोमीटर पैदल चलकर श्रीनगर से दिल्ली आ रहा है। फहीम नजीर शाह को उम्मीद है कि पीएम मोदी का ध्यान उनकी ओर जरूर जाएगा और वो उनसे मिलेंगे। ई फाइलिंग पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को लेकर आज इंफोसिस के सीईओ सलील पारेख को यह बताने के लिए बुलाया गया है कि नए ई फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च होने के 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक उससे जुड़ी समस्याएं ठीक क्यों नहीं हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने नवजोत सिंह सिद्धू की 2 सलाहकार प्यारे लाल गर्ग और मलविंदर सिंह मालिक की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर आग्रह किया है कि क्या ऐसे लोगों को पार्टी में होना चाहिए जिनका रुझान पाकिस्तान समर्थन में है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की आशंका है। नवोदित लेखक रणविजय की पुस्तक ड्रैगन्स गेम चीन की साजिशों का पर्दाफाश करती है। यह पुस्तक बताती है कि चीन किस तरह भारत के खिलाफ ऐसी साजिशें रचता है ताकि भारत के प्रति दुनिया का भरोसा कम हो। अनेक धारणाओं के माध्यम से इस धारणा को पुष्ट करने का लेखक ने प्रयास किया है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगान संकट पर सरकार के रुख को और अभी तक लिए गए फैसले के बारे में जानकारी देने की घोषणा की है। हिंदी और मराठी फिल्मों के जाने माने निदेशक और अभिनेता महेश मांजरेकर को हाल ही में कैंसर के इलाज के लिए दक्षिण मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिसके बाद अब महेश मांजरेकर वापस अपने घर लौट आए हैं। करण जौहर ने दिव्या को फटकार लगाते हुए बिग बॉस के हाल ही के संडे के बारे में कहा कि दिव्या आप मुझे शो से नॉमिनेट करना चाहती है लेकिन आप कंटेस्टेंट है और मैं होस्ट, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। दिव्या मेरे साथ स्टोन का इस्तेमाल मत करना, मुझसे इस तरह से बात मत करना। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। पदों पर भर्ती अनुबंध के आधार पर की जाएगी। आधिकारिक अधिसूचना की RCL की आधिकारिक वेबसाइट konkanrailway.com पर देखी जा सकती है। अफगानिस्तान में इन दिनों हालात बहुत ज्यादा खराब है। तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां के आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इससे कई देशों से उनके संबंध भी खराब हुए हैं। अफगानिस्तान प्रकृति आपदाओं से संपन्न देश है। वर्क फ्रॉम होम को लेकर व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज में कहा गया है कि सरकार एक संगठन के सहयोग से घर से काम करने के अवसर दे रही है। हालांकि सरकार ने इस मैसेज को झूठा बताते हुए स्पष्ट किया है कि वो ऐसी किसी योजना को लेकर नहीं आई है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना काल में सभी कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपना लेना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।